लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से जहां एक तरफ बीजेपी में जश्न और उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बेहद खराब प्रदर्शन के चलते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई। असम में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए रिपुन बोरा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। असम की 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 9 सीटों पर विजयी हुई। एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे, बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं होना आपको। और हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में बिलीव करते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं घबराओ मत। मोदी लहर के बावजूद पंजाब में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 8 पर जीत दर्ज की, लेकिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ गुरदासपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और एक्टर सनी देओल से चुनाव हार गए। चुनाव में मिली हार के चलते सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। 5 साल बाद 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई। हार के बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सिर्फ एक एक सीट जीत पाई है। इसी तरह ओडिशा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निरंजन पटनायक और कर्नाटक कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष एच के पाटिल भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 में से 1 सीट पर चुनाव हार गए। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी मात दी है। चुनावी हार के बाद राहुल गांधी खुद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। बहरहाल हार के बाद इस्तीफों के इस दौर में आने वाले दिनों में कांग्रेस में कुछ और नेताओं की तरफ से भी इस्तीफे की पेशकश हो सकती है, लेकिन जरूरत हार की ईमानदारी से समीक्षा करने और नए जोश के साथ फिर से मुकाबले के लिए तैयार होने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।